और बुलेटिन में सबसे पहले जालौर छात्र मौत मामले में इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, परिजन मुआवजा समेत 7 मांगों पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित भीड़ का पुलिस पर पथराव भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो जालौर छात्र मौत मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, परिजन मुआवजा समेत 7 मांगों पर अड़े हुए हैं। तो जालौर के एक स्कूल में घटना घटी जिससे हर कोई हैरान है, जहां 20 जुलाई को एक स्कूल में शिक्षक ने 9 साल के एक बच्चे को इतना पीटा कि 24 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी अहमदाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। उस बच्चे का इतना ही गुनाह था कि उसने स्कूल में रखे मटके से पानी पी लिया था। हालांकि सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पानी की मटकी ने ले ली जान, जालौर में जल्लाद टीचर का कहर। 8 साल के मासूम यानी कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाले जो इंद्र मेघवाल की जो है, जिस तरीके से परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि जो पानी पीने के लिए मटकी के हाथ लगाए, उसके बाद शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिक्षा के मंदिर में ये कैसी बर्बरता, 24 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गया छात्र। 9 साल के बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन आजादी के 75 साल बाद देश की ये भी एक सच्चाई है और ऐसी की घृणित सोच का प्रतीक है। जालौर जिले के सायला इलाके के सुराना गांव के एक निजी स्कूल का शिक्षक छैल सिंह, तीसरी में पढ़ने वाले 9 साल के इंद्र का सिर्फ इतना गुना था कि उसने 20 जुलाई को स्कूल में रखे पानी के मटके से एक गिलास पानी पीने की कोशिश की थी। इस घटना से नाराज हैवान शिक्षक छैल सिंह ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चे की दाहिनी आंख और कान पर अंदरूनी चोटें आईं। गंभीर हालत में बच्चे को प्राथमिक इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। वहां भी सही इलाज न मिलने पर पीड़ित बच्चे के परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद लेकर गए, लेकिन सारी मेहनत तब बेकार हो गई जब शनिवार को इंद्र की अहमदाबाद में मौत हो गई। और इसमें जो सबसे कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी, वो सबकी ये मांग भी थी कि 302 जो हत्या की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वही पुलिस ने किया भी है। 302 में मुकदमा दर्ज किया, SC/ST एक्ट भी लगा है और आरोपी शिक्षक को भी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की हिरासत में। जब आज परिजनों से मिलने कलेक्टर साहब और मैं गए थे तो मुख्य मांग यही थी कि तुरंत ही गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई और सजा दिलाई जाए। इसका हमने आश्वासन भी दिया है, उनको अवगत भी कराया कि मुलजिम को सबसे कड़ी धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षक अधिकारी की ओर से जांच कमेटी बनाई गई है। जालौर में बच्चे की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत ने आजादी का जश्न मना रहे राजस्थान को गमगीन किया। सीएम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और बच्चे के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। जालौर के सायला थाने क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या और SC/ST एक्ट धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है।